अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। आज है जी 17 नवंबर और आज है जोया राजपूत की बर्थडे। और अभी जो आप ये व्लॉग देख रहे हैं ये शायद मैंने 2-3 दिन बाद पोस्ट किया हो, लेकिन अभी जो मैं बना रहा हूँ ये है 17th of December। तो गाइस मैंने की बात किया, उसने मुझे इन्वाइट किया था, लेकिन मैंने उसे बोला है कि नहीं मैं नहीं आ सकता। थोड़ा सा मैंने ना बीच में ड्रामा वगैरह किया कि मैं नहीं आ सकता, लेकिन हम जा रहे हैं। मैं अभी टाइम 6 बजे का टाइम था और अभी 5 बज चुके हैं और हम अभी तकरीबन आधे घंटे पहले ही निकले, क्योंकि डैडी की थोड़ी सारी ना तबीयत ख़राब थी उसकी वजह से, वरना हमने भाई 6 बजे उधर पहुँच जाना था। सो अभी हम घर से निकल चुके हैं और रास्ते में उसको हमने नहीं बताया, वो अभी भी पूछ रही है आपने आना है, आप प्लीज़ आए। लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, हमारा मुश्किल है, हम नहीं आ सकते, टाइम भी लेट हो गया। सो वो उधर से थोड़ा सा हुई हुई है, तो कोई बात नहीं, अभी हम जाते हैं और उनका सरप्राइज करते हैं और उनका रिएक्शन देखते हैं। भाई ये आ गया है जी एयरपोर्ट और यहाँ से मैं फ्लाइट पकड़ूंगा लाहौर के लिए और सीधा भाई उसकी बर्थडे पे। लेकिन नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ। गाइस ये जहाज देख रहे हो, इस तरह के हमने सैकड़ों जहाज भाई भेजने हैं इसराइल भेजने, और उन्होंने इतनी बमबारी करनी है भाई इसराइल की। बस आगे आप समझ लो भाई, आप समझदार हो भाई, समझो। उमर भाई जी, भाई आपने आज बड़ी सुस्त मजारी से गाड़ी चलाई है, आपको जुर्माना होगा। ना करें भाई, ठीक है। तो बिल्कुल गाइस हम अभी इंटरचेंज पे पहुंच चुके हैं, इंशाल्लाह हम थोड़ी थोड़ी ही देर में, हाँ आधे घंटे में इंशाल्लाह, आई होप सो। लाहौर पहुंच चुके हैं और उनकी भी भाई कॉल्स आ रही है कि हम आपको वेट कर रहे हैं, कि आप अभी तक आए ही नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं भाई हमने नहीं आना। यार मुझे लगता है उनको शक पड़ गया। क्या मुझे लगता है उनको ना कुछ आइडिया हो गया ये लोग आ रहे हैं, लेकिन वो कैसे नहीं लगता, नहीं लगता। नहीं यार किस तरह रेडी ठाक है, हमारा जो गिफ्ट है वो राइडर भी भाई वहाँ पर आके खड़ा हुआ है। तो अभी हम भी लेट हो चुके हैं भाई, रास्ते में ट्रैफिक इतनी थी, 2 दफा ट्रैफिक जाम हुई है मोटर वे पर भी, और अभी यहाँ पर सिग्नल्स भी लेट करवा रहे हैं भाई। तो अभी चलते हैं वहाँ जाके आपको बताते हैं भाई। गिफ्ट जो है वो हमने बाहर निकाल लिए हैं, तो अभी उनको नहीं पता, लेकिन ये सेल भाई आ गए थे भाई, इनको शक था कि हम जो है ना भाई आएंगे। क्यों जी, इन्होंने शक से ना किसी आएंगे, कन्फर्म नहीं था। तो हम जैसे ही आए हैं ये लोग भी बाहर आए हैं और इन्होंने देखा है, हमें इन लोगों ने देख लिया भाई, लेकिन अभी अंदर किसी को भी नहीं पता, अभी अंदर किसी को नहीं पता। सो अभी हमारे पास प्लान है, हम अभी भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, तो अभी इनको हमने गिफ्ट जो है यहाँ कर दिए। तो हाँ जी अब क्या करना है, क्या सीन है, अब निकल दिया है सीन, यस है बड़ा। चलो तो अस्सलाम वालेकुम, हम पहुंच चुके हैं भाई। ये बहुत ज्यादा सैड थी कि नहीं आ रहे, आपकी वजह से। क्या हुआ आपकी वजह से इतना रोई मैं? कितना इतना मुझे पता चल गया होगा आपका, आपने तो व्लॉग ही नहीं किया मेरा। अच्छा, इसका जो ड्रेस है मैंने फुल ट्राई किया कि भाई इसके ड्रेस के मतलब कलर के साथ ही जितनी सारे कलर्स मैच करूं गिफ्ट में, और वही हुआ भाई। आई थिंक ये मेहरूनिश है और ये रेड है, बस सेम ही है, तकरीबन सेम ही है, पर्पल नहीं है, रेड है, मेहरूनिश ही है। अरे तुमने वैसे सोच कैसे लिया था कि तुम्हारी बर्थडे और मैं बताऊं भाई? नहीं, जिस तरीके से आपने बोला था कि डैडी की तबीयत खराब है, आई कांट, ठीक है भाई ना, बहुत सैड हो गया था। कितना लेकिन अभी जब हमें कैसा शौक लगा शौक लगा ऐसे थी नहीं, मैं यहाँ पे बैठ के रोने लगी थी वो इधर। अच्छा यहाँ पे शान जगह पे, और मैं रोती रोती उधर चली गई थी। उधर किधर, वहाँ पे तो कोई वहाँ पर एक बेंच लगा हुआ था साइड, वो नहीं वो नहीं, हाँ मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं नहीं रहने दो, मैं नहीं जा रहा भाई, मैं इधर ही हूँ। हाँ वो मुझे ना जाओ भाई, इधर आ गए। इसका केक भी चेक करें, केक भी तुम रेड करवाती ना तो ज्यादा मजा आता है। केक बन गया ना कल, हाँ वो रेड वाला, वो रेड केक है, लास्ट मोमेंट पे बनवाया बुजुर्ग भाई ने। अच्छा, वरना भी नहीं बनना था, वरना भी लेयर्स का केक था, वरना वो वाला कटना था, वो वाला। इसमें क्या 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 है, ये इतना कुछ खाती नहीं, से एक एक मैं साल में भी नहीं खत्म होगा इतना सब, देख लो भाई। वाओ, और यहाँ पर केक है जेड, हाँ वो खा जाएगी वो सारा का सारा भाई, एक दिन में खा जाएगी। केक कट हो चुका है, हमने केक कटिंग कर ली। ओ भाई 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 भाई, और गंदा हो गया भाई इसका मुंह भाई, मैंने मैंने जो थोड़ा सा रह गया था वो मैंने भी कर दिया। टिश्यू की तरह टिश्यू। ये है वो गिफ्ट वाला केक और हम इसको कट करेंगे। यार दिल इसको ना कट करो बेचारे को, यार दिल करता जरूर है तो इसको भी हम। ओह यार केक काटने में मैं प्रो हूं भाई।
सो गाइस फाइनली डिनर हमारा इंतजार कर रहे थे, हम डिनर का इंतजार कर रहे थे। बस अब कैमरा बंद कर दें, पहले खाना खाएंगे हम। यार ठंड बहुत लग रही है यहाँ पे यार, आज तो ठंडे हो गए हैं भाई। हम आ चुके हैं चाय गॉसिप पे, पता नहीं कौन सी जगह भाई, मुझे तो पता नहीं, यही लोग लेकर आए हैं। तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानता ही नहीं भाई हूँ। सो अभी हम यहाँ से चाय वगैरह, मैं तो नहीं पीऊंगा, ये लोग भी चाय वगैरह पीएंगे। तू भी पिएगा? मैं नहीं पीता भाई। तू भी पिएगा? आज आप पिला के देखो। पिएगा एक तेरे ऊपर डोलेंगे। यहाँ से फ्री हो चुके हैं और अब हम आ चुके हैं जी होटल में। सो यार आपको एक मजे की बात बताऊँ, मैंने भाई गाड़ी ले ली अपनी न्यू, और इसके नंबर चेक करो भाई, 777। मजाक करो भाई, नहीं 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 ओ भाई ओ यार, ये अंकल नंबर हर वक्त ना मुझे तंग ही करते रहते हैं यार, इनका भी और भी काम नहीं। अभी हम गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं जल्दी होटल, लेट्स गो गाइस। तो गाइस अब हम आ चुके हैं जी एक होटल में और यहाँ से हम रूम चेक कर रहे हैं। तो अभी हमारी उनसे बात हो गई है, तो अभी हम जा रहे हैं जी रूम की चेकिंग करने के लिए। भाई रूम कैसा है, अभी हम खुद भी देखेंगे ना कि रूम कैसा है। तो अभी हम जा रहे हैं रूम चेक करने के लिए और अंकल उमर स्नैप्स पर, ये मतलब अभी स्नैप्स बना रहा था भाई, अभी स्नैप्स बना रहे थे अभी, देखो भाई मैंने कहा ऊपर चल, वो मनो वीडियो बनाने दे, मैंने कहा ऊपर चल रूम देखने हैं भाई, रूम देखते हैं। फाइनली ता जानी जी सर मिल गया। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको रूम? अल्हम्दुलिल्लाह सर मिल तो बहुत से रहे थे मगर पसंद कोई नहीं था आ रहा, लेकिन जो होता है ना इंसान को चीज पसंद आती है वो चीज नहीं थी। हाँ, और बेसिकली तहा वो चीज देखता है जिसमें रूम, वो सॉरी रूम देखता है जिसमें बाहर से व्यू अच्छा हो। और लेना लिया कौन सा है वो, सॉरी सेवन फ्लोर पे मिला भी सेवन फ्लोर पे, फुल ये चेक करो तेरी है। अच्छा जी अभी किधर जाना है अंकल उमर? वो सामने आपको बताएगा, इधर जाना है और आप उधर लेके जाओगे गाड़ी को, देखना साथ लगा रहे हैं आप भाईजान, थोड़ा पीछे करो गाड़ी को, देखो ना सर हम फिट करके गाड़ी ले, नहीं जानी जानी नहीं जानी नहीं जानी जाएगी जानी, आप मेरे पे रखो जानी, आप रखो जानी, आप रगड़ दोगे आप मेरे से थोड़ा सा। अच्छा उसकी जो उसकी टांगे नहीं तोड़ देना, आप सीधे ऐसे काटो। हाँ दैट्स गुड, और मुझे बहुत अच्छी चलानी आती है, मुझे कुछ नहीं कह सकते भाई। अच्छा उस साइड पे थोड़ा सा दबा के लगाओगे क्योंकि जब वो डोर खोलेगा ना तो इस गाड़ी को से लगे ना, एम से क्रैच पड़ेगा। ओके गाइस पार्किंग डन है, लेट्स गो। चलो जी, ओ भाई मैं फोन यहाँ पे भूल रहा था, लो भाई लेट्स गो जी, लेट्स गो जी उमर चले गाड़ी करते हैं लॉक। लो सामान वगैरह भाई ने ले लिया, तो ये सामान हम लेके जा रहे हैं सुबह के लिए, मतलब आउटफिट्स वगैरह सुबह जो हम पहन के जाएंगे। तो अभी हम बेसमेंट में, लिफ्ट तो नहीं थी भाई, सर्विस वाली लिफ्ट से लेके जा रहे हैं। अब अल्लाह हैर करे भाई सेकंड फ्लोर पे तो पहुंच गए, सेवंथ फ्लोर पर हूँ मैं भाई, सेवंथ फ्लोर पर। लो जी सेवंथ फ्लोर भाई आ चुका है एंड ओपन हो गया है डोर। वो तेरी है किधर? ये वाला, ये सर्विस से जा रहे थे ना। सो अभी ये आ गए भाई, यही रूम है, वाह। वरना हमने वो उधर उस लिफ्ट से आना था, वहाँ पे लिफ्ट थी ना, तो हमने आना था वहाँ से, तो यही हमारा रूम है भाई। रेडी? हाय ले जी गाइस, हियर वी गो। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना, मिलती हैं एक और न्यू मजेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।